सर्वांना नमस्कार, जय नाम। आपण चैतन्यपीठाच्या युट्यूब वाहिनीवरून गेल्या 2 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून आत्मसंवाद ही प्रबोधन मालिका प्रसारित करीत आहोत। या प्रबोधन मालिकेमध्ये आपले सद्गुरू आदरणीय बाबा महाराज आपल्याला वेगवेगळ्या बहुमोल अशा विषयावर प्रबोधन करीत असतात। गेल्या काही पुष्पांपासून आदरणीय बाबा महाराज चिदानंद पर्वाविषयी आपल्याला प्रबोधन करीत असतात। परमपूज्य बाबा महाराजांनी आत्मसंवादातील चिदानंद पर्वाच्या मागील काही पुष्पात परमपूज्य नाना महाराज संस्थानामध्ये नाना अस्थानापासून साजरे होणाऱ्या सर्व उत्सवांची अतिशय विस्तृत अशी माहिती आपल्याला दिली। दत्त जयंती उत्सवाबद्दल सांगताना ते म्हणाले की हरसिद्धीनंतर 1971 पासून हा उत्सव गणेश मंडळात साजरा व्हायला लागला व 1996 पासून मग दत्त जयंती उत्सव नाना महाराज संस्थानमध्ये नियमितपणे साजरा होतो। सुरुवातीला हा उत्सव 9 दिवसांचा असे। पहिल्या दिवशी उत्सवाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने व वारकरी पद्धतीच्या पहाराने सकाळी 4 वाजेपासून होत असे। मग काकड आरती व्हायची, परमपूज्य नाना असताना ते खड्या आवाजात या सहभागी देखील व्हायची ही आठवण पण त्यांनी इथे सांगितली। पुढे चक्री पारायण, सामुदायिक पारायण याविषयी देखील त्यांनी अतिशय सुंदर अशी माहिती दिली। तसेच गुरुचरित्र वाचन पूर्वी नाना महाराज स्वतः करायचे, त्यानंतर माझे वडील करत असत व त्यानंतर मी वाचन करायला सुरुवात केली असे ते म्हणाले। तसेच संध्याकाळची आरती, गायन, रात्रीचे भजन याविषयी पण विस्तृत माहिती त्यांनी दिली। तसेच शेवटच्या दिवशी होणाऱ्या गोपाल कालाचे तसेच पालखीचे वर्णन देखील अतिशय सुंदररित्या। परमपूज्य नाना ब्रह्मलीन झाल्यानंतर 93 दत्त जयंती उत्सवाला परमपूज्य नाना नव्हते। काही मंडळींच्या मनात नाना नसताना आता उत्सव कसे होतील ही शंका होती, परंतु आदरणीय बाबा महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नानांच्या आशीर्वादाने परमपूज्य नाना गेल्यावरचा पहिला दत्त जयंती उत्सव अगदी नेहमीप्रमाणे त्याच पद्धतीने साजरा झाला व आदरणीय बाबा महाराजांच्या कार्याला नानांचा आशीर्वाद आहे याची खात्री सर्वांना पटली। तेव्हापासून आस्था गाय म्हणजे शेवटचा 2021 दत्त जयंती उत्सवापर्यंत आदरणीय बाबांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व उत्सव नेहमीप्रमाणे त्याच पद्धतीने उत्साहाने सुरू आहे। 2021 दत्त जयंती उत्सवाचे काही चलचित्र इथे आम्ही आता आपल्यासाठी प्रस्तुत करतो। नमस्कार।
Swami,
I'm not a
Thank you.
पालकी यात्रा निकाली। दिगंबरा दिगंबरा महामंत्र से क्षेत्र घूमते हुए यात्रा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पुनः सिंहगंज स्थित संस्थान पर समाप्त हुई। बड़ी संख्या में सामाजिक एवं धार्मिक श्रद्धालु यात्रा में शामिल होकर नाचते गाते कीर्तन करते चले। यात्रा के पश्चात भजन कीर्तन एवं दही हांडी का कार्यक्रम भी किया गया। संस्थान के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप बाबा साहेब तराणेकर ने बताया, संस्थान में दत्त जयंती महोत्सव का यह 71वां वर्ष है। सन 1893 में तराना में दत्त मंदिर की स्थापना हुई थी, उसी समय से ही दत्त महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी परंपरा के चलते नाना महाराज सन 1948 में इंदौर निवास करने आए थे, तब से यहाँ भी 9 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की गई। इस 9 दिनी उत्सव में प्रतिदिन प्रातः काकर आरती और उसके बाद अन्य उत्सव एवं कार्यक्रम होते हैं। उत्सव का समापन सामुदायिक महाप्रसादी, दिंडीपाल की यात्रा तथा दही हांडी एवं महाआरती आदि के साथ संपन्न होता है। इस महोत्सव हेतु पूरे प्रदेश के साथ महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु यहां उपस्थित होकर महोत्सव का आनंद लेते हैं। के अंतर्गत इस मालवा की भूमि के अंदर जो पहले होलकर स्टेट कहा जाता था, इसके अंदर ये सबसे प्राचीन ऐसा 125वां दत्त जयंती महोत्सव कहा जा सकता है, जो नाना महाराज तारणेकर परिवार ने शुरुआत की थी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ताराणा ग्राम के अंदर, जहाँ नाना महाराज तारणेकर का दत्त मंदिर है। नाना महाराज जब इंदौर में आ गए तो इंदौर में उन्होंने यहाँ अपने परिवार के द्वारा जो फिर उत्सव की शुरुआत की, तो उसका ये 71वां वर्ष है। तो 71 वर्ष से इंदौर में भी अनिर्बाध रूप से ये दत्त जयंती महोत्सव अभी भी सुचारू रूप से संचालित होता है। नाना महाराज ने 1993 के अंदर देहत्याग किया, जब उनकी उम्र 98 वर्ष की थी। तो उनके पश्चात मैं और हमारे सब सहकारी हैं, सहयोगी, वो उत्सव को उसी प्रकार से संभाल रहे हैं। विशेषता यह है कि ये उत्सव 9 दिन ही रहता है। चंपा षष्ठी जिसे महाराष्ट्रीय लोगों में प्रचलित है, तो चंपा षष्ठी के दूसरे ही दिन से इस उत्सव का प्रारंभ होता है। और दत्त जयंती पूर्णिमा को जब दत्त जन्मोत्सव होता है, उस दिन महाआरती होती है, उसके पश्चात प्रतिपदा दूसरे दिन महाप्रसाद भंडारा, जिसमें सामुदायिक रूप से 108 सत्यनारायण किए जाते हैं, और इस उत्सव का समापन द्वितीय मतलब उसके दूसरे दिन पालकी यात्रा तथा दही हंडी काला वारकरी संप्रदाय पद्धति से किया जाता है। और अखिल भारतीय त्रिपली परिवार जो इस संस्थान से जुड़ा है, उसकी 8 राज्यों में 350 शाखाएं हैं तथा विदेश के अंदर भी इसकी शाखा है। उन सभी शाखाओं में जो भी गतिविधियां चलती है, उन सभी ये यहाँ के संस्थान द्वारा ही। आत्मसंवाद से हे विशेष पुष्प आज आपण सर्वांनी बघितले आणि ऐकले। यानंतरचे जे नियमित प्रमाणे पुष्प सादर होणार आहे ते 114वे पुष्प पुढच्या शनिवारी आपल्या सर्वांना सर्वांसाठी सादर होईल। आपण सर्वांनी त्याचा आनंद घ्यावा।